नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YMW सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि अगर आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या प्रॉफिट्स एंड मार्जिन होते हैं और उसके साथ साथ हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्मार्ट शॉप की फ्रेंचाइजी भी आती है, तो फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक का फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक इंडियन MNC इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये कंपनी CK बिरला ग्रुप की कंपनी है। और फ्रेंड ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर है फ़ैन का। लगभग 35 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में ये अपने फैंस को एक्सपोर्ट करती है और इस कंपनी ने बहुत बार सुपर ब्रांड का स्टेटस अपने नाम किया है। तो आप इन सभी से समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी फेमस है और इंडियन मार्केट में इस कंपनी की कितना अच्छा नेटवर्क है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी पर्सन इस कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कि आप ओरिएंट कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और अगर आप इस कंपनी के साथ जाएंगे तो आपको इस कंपनी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा, मतलब आप कम से कम समय में इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफ रेंजेस हैं, जैसे कि यहां पर होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, लाइटिंग के सारे सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, मतलब हर प्रोडक्ट आपको लाइटिंग के मिल जाएंगे। तो बेसिकली आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि कैसे आप लाइटिंग के लिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें दो तरह के बिजनेस मॉडल है अगर लाइटिंग का, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो। पहला है कंज्यूमर ल्यूमिनरी और दूसरा है प्रोफेशनल ल्यूमिनरी। कंज्यूमर ल्यूमिनरी में जैसे कि बल्ब हो गए, सीलिंग लाइट हो गए, स्पॉट लाइट हो गए और भी बहुत सारे जितने भी लाइट्स होते हैं वो कंज्यूमर ल्यूमिनरी में आता है। और अगर आप प्रोफेशनल ल्यूमिनरी की बात करें तो यहाँ पर फ्लड लाइट, कैनोपी लाइट, स्ट्रीट लाइट और भी जितने स्क्वायर के लाइट होते हैं वो सारा चीज़ जो है प्रोफेशनल ल्यूमिनरी में आता है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो कंज्यूमर ल्यूमिनरी है उसमें आप जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज अ प्रोफेशनल ल्यूमिनरी अगर कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें सिर्फ आपको ओरिएंट का ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना होता है। जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स हो गए, बीड्स हो गए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो गए, वो सारा चीज़ जो है प्रोफेशनल ल्यूमिनरी में आता है। और कंज्यूमर ल्यूमिनरी एज अ समझ सकते कि आप रिटेल हो गए, तो यहाँ पर आप इनिशियली कंपनी के साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप जुड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर आपको एज अ डीलर बनाया जाएगा इनिशियली। और अगर आपको कंज्यूमर ल्यूमिनरी और प्रोफेशनल ल्यूमिनरी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, हमारी वेबसाइट पर आप जाकर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि कंज्यूमर ल्यूमिनरी और प्रोफेशनल ल्यूमिनरी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट्स क्या होगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, उसके साथ साथ वो इंटरेस्टेड होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं, ना ही उनको कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में पता है, ना ही मतलब ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी आप अच्छे से रन कर पाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको लगता है कि नहीं मैं फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट कमाने लगूँ। तो भैया मैं बता दूँ आपको, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आपने स्टार्ट किया और तुरंत ही कमाने लगोगे, आपको थोड़ा समय देना होता है। और कोई भी बिजनेस हो तो उसमें जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसे सही से रन नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी ये जो है जब भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आपको डीलर बनाएगी तो ये जरूर देखती है कि आप पहले से किसी कंपनी के साथ काम किए हो या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिकल शॉप हो, तभी जो है कंपनी ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर आपको बनाती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पर 500 टू 600 स्क्वायर फीट आप इनिशियली रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसमें गोडाउन का भी स्पेस मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर शॉप अगर करें तो शॉप के लिए आप 200 तक रख सकते हैं, 200 स्क्वायर फीट, और 400 स्क्वायर फीट यहाँ पर आप रख सकते हैं, आप गोडाउन रख सकते हैं जहाँ पर आप जो भी स्टॉक वगैरह है आपका वो रखेंगे। मतलब एक तरफ से आपका रिटेलिंग भी हो जाएगा और दूसरे में आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम हो जाएगा।
लेकिन फ्रेंड अब इनिशियली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कंपनी नहीं देती है, क्योंकि कंपनी वैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है जिन पे वो ट्रस्ट कर सके। मतलब अगर आप एज ए डीलर कंपनी के साथ काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर पा रहे हैं, 2 से 3 मंथ में 4 मंथ में आपने बहुत ही अच्छा सेल अगर दे रहे हैं, कंपनी को लगे कि हाँ ये बंदा जो है आपके मतलब हमारे साथ अच्छे से काम कर सकता है फ्यूचर में भी, तो तब जो है आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। अगर आपको इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए और आप 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद उसे अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर फिर कंपनी को भी लॉस होता है और फिर आप भी लॉस में जाएंगे। तो इसलिए जो है कंपनी सबसे पहले यहाँ पर डीलर बनाती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको 2 मॉडल बताया था, एक कंज्यूमर ल्यूमिनरी और दूसरा बताया था प्रोफेशनल ल्यूमिनरी। अगर आप एज अ कंज्यूमर ल्यूमिनरी में ऐड होना चाहते हैं, एज अ कंज्यूमर ल्यूमिनरी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल शॉप है और उसमें आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट भी रखना चाहते हैं, तो उसमें जो है आप 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके आप सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट रख सकते हैं एज अ डीलर। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं इसमें मैंने शॉप कॉस्ट या फिर जो भी और अनदर कॉस्ट है ये मैंने ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट बताया है कि 2 से 3 लाख रुपए में ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट को आप कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर अगर प्रोफेशनल ल्यूमिनरी में, तो प्रोफेशनल ल्यूमिनरी में अगर आप काम करना चाहते हैं ये बिजनेस मॉडल के साथ जुड़कर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 10 से 15 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें कि 10 लाख का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप यहाँ पर 10 लाख का सिर्फ स्टॉक रखेंगे, उसके साथ साथ जो 5 लाख है वो उसमें आपका गोडाउन हो गया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी अदर कॉस्ट है जैसे कि इंटीरियर का, फर्नीचर का और भी कुछ इक्विपमेंट्स के होंगे, तो इन सभी के लिए जो है आपका यहाँ पर 5 लाख रुपीज लग सकता है या फिर इससे एवब भी लग सकता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पर प्रोफेशनल ल्यूमिनरी में अगर आप ऐड होते हैं तो यहाँ पर कंपनी के तरफ से आपको बहुत ही सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने बहुत सारे जगहों पे इस कंपनी का डायरेक्टली टाइप है, जैसे कि बहुत सारे जगह पे पंचायत के तरफ से या फिर गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर होता है कि स्ट्रीट लाइट लगाना है या फिर कुछ भी अदर लाइट्स वगैरह का जो टेंडर निकलता है वो डायरेक्टली कंपनी से टाइप होता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक से। मतलब अगर आप उस एरिया में एज अ प्रोफेशनल ल्यूमिनरी काम कर रहे हैं तो कंपनी डायरेक्टली वो जो वर्क ऑर्डर है वो आपको दे देगी और वो सारा वर्क जो है आपके थ्रू किया जाएगा। तो उसमें एक तरह से समझिए कि आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट्स है और यहाँ पर कंपनी के लिए तो बेनिफिट्स है ही, क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर कंज्यूमर ल्यूमिनरी में अगर बात करें तो कंज्यूमर ल्यूमिनरी में यहाँ पर आपको खुद रिटेलिंग वर्क करना होता है, मतलब अगर डीलर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर कुछ आपको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट देना होगा या फिर आपका फर्म है तो आपको फर्म का नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके साथ साथ यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना होता है, उसके साथ साथ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, करंट अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर 3 ब्लैंक चेक आपको सबमिट करना होता है यहाँ पर कंपनी को, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी किसी किसी स्टेट में आपको जरूरत पड़ सकता है, उसके साथ साथ आपके शॉप का जो भी डॉक्यूमेंट्स है एनओसी वगैरह आपको सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है देन आप आसानी से इस कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट्स एंड मार्जिन मिलता है। तो फ्रेंड अगर प्रॉफिट्स एंड मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट्स एंड मार्जिन टोटली डिपेंड करेगा आपके सेल पे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल करेंगे, कंपनी के टारगेट को अचीव करेंगे, उतना कंपनी आपको और भी सपोर्ट करेगी, और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स देंगी, ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ये आपके पास सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए इस बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है लाइटिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट्स एंड मार्जिन फिक्स नहीं है। तो जिस तरह का मार्केट में कंपटीशन होगा उसी तरह से आपका मार्जिन भी होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कभी आपने 3% पे निकाल दिया, 4% रख के निकाल दिया, 5% पे, 10% पे, 9% पे, बहुत से मतलब अप टू 30% तक आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे फ्रेंड आपको यहाँ पर कोई भी डरने वाली बात नहीं है, जब भी आप कंपनी के साथ जुड़ेंगे वो सारे जो आपको बता देंगे, बकायदा वो ट्रेनिंग भी आपको देंगे कि कैसे सेल करना है और कैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड मार्जिन रखना है, और अगर आप एज अ प्रोफेशनल ल्यूमिनरी जॉब में ऐड होते हैं तो उसमें कंपनी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग लास्टली बात कर लेते हैं कि अगर ओरिएंट इलेक्ट्रिक का आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले फ्रेंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ओरिएंट कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर साइट ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको नॉर्मली जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है वो आप फिल कर देंगे और यहाँ पर क्वेरी में आप एज अ डीलरशिप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारा चीज फिल करने के बाद आप यहाँ पर फाइनली सबमिट कर देंगे। विद इन 2 डेज के अंदर अंदर कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। जो भी आपके एरिया मैनेजर होंगे वहाँ से वो आपको डायरेक्टली कॉल कर लेंगे और इस बारे में जब आप एक बार उनसे बात कर लेते हैं वो सारे चीज़ आपको क्लियर कर देंगे कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर एज अ प्रोफेशनल लिमिनरी ऐड होना तो उसमें क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट है और अगर आप एज अ कंज्यूमर लिमिनरी ऐड होते हैं तो इसमें क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट है। तो आई होप फ्रेंड आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।